2 चम्मच तेल के साथ में आज हम बनाएंगे बची हुई रोटियों से नाचोस। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी रहते हैं, और साथ में बनाएंगे सालसा जो नाचोस के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, तीखा चटपटा। तो इसे बनाने के लिए बची हुई रोटियां ले लेना है, और बस इसमें हम लगा लेते हैं तेल या घी, जो भी आपको पसंद है आप लगा सकते हैं। मैंने इसमें तेल का यूज़ किया है, और तेल हमें जब लगाना है ना तो पूरी रोटियों में अच्छे से आ जाना चाहिए। तो आपने देखा मैंने कितना थोड़ा सा तेल डाला है। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर अगर कम तेल का यूज़ करना है तो इस तरह से रोटियों में तेल लगा लेना है, ब्रश की सहायता से पूरे में फैला लेना है। और इसके बाद हम इसे करेंगे कट। तो कट करने के लिए आप किसी भी साइज और शेप में कट कर सकते हैं। सारी रोटियों में हमने अच्छे से तेल लगा लिया है दोनों तरफ से, और इसे आप रोल करके भी कट कर सकते हैं, या मेरी तरह इस तरह से पट्टियाँ कट करके भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बताए हुए हैं, दोनों तरीक़ों का यूज़ करके आप किसी भी शेप साइज़ में नाचोस तैयार कर सकते हैं। नाचोस का वीडियो एक बार मैंने डाला हुआ है, तो आप उसे जाकर भी देख सकते हैं कि मार्केट में नाचोस कैसे बनाए जाते हैं। और सालसा का भी वीडियो पहले भी डाला हुआ है, उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी रहती है बची हुई रोटियों का, बहुत ही अच्छा यूज़ है ये। और इस तरह से देखिए रोल करके कट कर सकते हैं, जो भी आपको तरीका पसंद है आप कर सकते हैं। और इसे मैंने चौकोन में कट किया है, तो मुझे तिकोने चौकोन आप जो भी कट करना चाहें कट कर सकते हैं, मैंने तिकोने ज़्यादा कट किए हैं। अब क्या करेंगे, मैं इसे 2 तरीके से फ्राई करूँगी, मतलब इसे हमें 2 तरीके से रोस्ट करना है। तो मैंने इसमें लिया है एक बेकिंग ट्रे है मेरे पास, उसमें हम फैला लेते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं इसे माइक्रोवेव में भी सुखाने वाली हूँ रोटियों को, क्योंकि तेल लगा लिया है इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने माइक्रोवेव में इसे सुखाने के लिए डाल दूंगी, 5 से 6 मिनट के लिए इसे हम माइक्रोवेव कर लेते हैं। और अगर माइक्रोवेव में नहीं करना है तो इस तरह से मेरे तरह इस तरह कढ़ाई गर्म करेंगे, कढ़ाई में भी हम इसे रोस्ट कर सकते हैं, सुखा सकते हैं बहुत आसानी से। किसी में भी आप माइक्रोवेव में भी डाल सकते हैं, या इस तरह से कढ़ाई में भी इसे रोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे हमें इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरह से रोस्ट कर लेना है, जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो जब तक ये क्रिस्पी हो रहा है तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। अब इसे रख देते हैं साइड वाले गैस में, तब तक हम इसकी सालसा तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन में ले लिया है तेल, साथ में डाल देते हैं लहसुन, हरी मिर्च, और यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं ना, टमाटर के जो आई रहती है उसे निकाल कर हमने इस तरह से इसमें तेल के ऊपर रख दिया है। और ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है, जूसी चटपटी तीखी बनती है, और सालसा बहुत टेस्टी लगता है नाचोस के साथ में। और इस तरह से हमें रखने के बाद इसे हम ढक देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसे हम ढक कर रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से ये जो ऊपर का छिलका है ना टमाटर का, ये पकने के बाद अपने आप में ही निकल जाएगा। ढक देते हैं, ढककर इसे पकने देते हैं। तब तक हम यहाँ रोटी भी देख लेते हैं, क्योंकि इसे भी ध्यान देना है, नहीं तो रोटियाँ नीचे से जल जाएंगी। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी होने लगी हैं, और इसी तरह से फिर से हम रख देते हैं। तब तक हमारे यहाँ टमाटर भी तैयार हो गए हैं, ये देखिए इनका छिलका निकलने लगा है, 5 मिनट करीब हो गया है, ये देखिए अब सभी टमाटरों का इसी तरह से छिलके निकाल लेना है। और इसके बाद एक पोटैटो मैशर लेना है, उससे हमें इसे मैश करना है। अगर आप पोटैटो मैशर से मैश नहीं करना चाहते तो ठंडा करने के बाद थोड़ा सा मिक्सर में कुछ सेकंड के लिए चलाना है, वैसे इसे ज़्यादा पीसना नहीं है, थोड़े थोड़े इसमें चंक्स रहते हैं ना, बहुत टेस्टी लगती है इसकी चटनी। अब इसमें हम देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, और बस इसके हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे बारीक कटी हुई, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बारीक कटी हुई, मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हुए हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा और नमक डालेंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद तैयार हो गया है हमारा सालसा नाचोस में खाने के लिए। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं, और यहाँ हमारी रोटियाँ भी अच्छे से तैयार हो गई हैं, ये देखिए मेरी माइक्रोवेव वाली बहुत जल्दी तैयार हो गई है, ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है ना। और इसी तरह से हमारा जो कढ़ाई वाला है उसे भी देख लेते हैं, और यहाँ हमारी कढ़ाई में जो हमने रोटियाँ रोस्ट होने रखी थी वो भी अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, एकदम क्रिस्पी हो गई हैं, ये देखिए ये भी टूटने लगी हैं। तो बस इसे हम अब सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो इस तरह से जब हमारे घर में रोटियां बच जाती हैं ना, तो उन्हें अलग अलग रेसिपीज़ में हम उन्हें बना कर देते हैं। मैंने इसके पहले बची हुई रोटियों से बहुत टेस्टी नूडल्स बना कर दिए थे, तो उसका रेसिपी भी आप जाकर देख सकते हैं, बहुत टेस्टी नूडल्स बने हुए थे।
और ये नाचोस की रेसिपी ना एक भी टुकड़ा बच जाए तो आप बताइए मुझे कि किसको पसंद नहीं आए। सभी को ये पसंद आने वाले हैं, बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे चटपटा सालसा के साथ में। तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइए क्रिस्पी नाचोस रोटियों के साथ में और चटपटा तीखा जूसी सालसा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, एंजॉय कीजिए।